आज हम सीखेंगे कक्षा 10 की पुस्तक स्पर्श के गद्य भाग से लिया गया पाठ 6 अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के प्रश्न उत्तर। चलिए शुरू करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न इसका इस प्रकार है, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? तो इसका उत्तर है, लश्कर ने एक बार एक कुत्ते को दुत्कार दिया था, यानी एक बार कुत्ते को डांट दिया था। इस पर उस कुत्ते ने जवाब दिया था कि कुत्ता और इंसानों में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि दोनों को एक ही भगवान ने बनाया है, यानी मुझे जिसने बनाया है तुम्हें भी उसने ही बनाया है। इस कारण से लश्कर जिंदगी भर रोते रहे, इसलिए अरब में लश्कर को नूह के नाम से याद किया जाता है। तो इसका दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? इसका उत्तर है, लेखक की माँ सूरज ढलने के बाद, यानी शाम को जब सनसेट हो जाता है, सूरज ढल जाता है, उस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि इससे पेड़ रोने लगते हैं, किसी को दुख पहुंचाने में पाप लगता है। इसलिए वो बोलती थी कि सूरज ढलने के बाद शाम को पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो अगला प्रश्न है इसका, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? प्रकृति में आए असंतुलन का बुरा परिणाम हुआ, अब अधिक गर्मी तो गर्मी ही गर्मी बढ़ती जाती, और अधिक सर्दी तो सर्दी ही सर्दी, बेवक्त बारिश हो जाती, और भूकंप और तूफानों का भी खतरा बढ़ जाता। प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, जिससे नित नई नई बीमारियां, यानी रोज नई नई बीमारियां पैदा हो रही थी। इसका अगला प्रश्न है, लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा, क्यों उसने पूरा दिन फास्टिंग रखा? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, लेखक की माँ को लगता था कि उनकी वजह से कबूतर के अंडे टूट गए थे, वे अपराध बोध से ग्रसित थी, उन्होंने अपनी गलती की माफी मांगने और प्रायश्चित करने के लिए पूरे 2 दिन का रोजा रखा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो अंडे टूटे हैं वो उनकी वजह से टूटे हैं, और उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। अब अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने 2 दिन का रोजा रखा। अगला प्रश्न है, लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? क्या क्या चेंजेस लगे जब वो ग्वालियर से बंबई गए, तो रास्ते में उन्हें क्या क्या बदलाव दिखाई दिए, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, लेखक ने देखा कि ग्वालियर में नए मकानों की इतनी बाढ़ नहीं आई थी कि पशु पक्षियों के लिए जगह ही ना बचे, लेकिन बंबई में जंगल के जंगल साफ हो गए थे, उनकी जगह नई बस्तियों ने ले ली थी, इसके कारण असंख्य पशु पक्षियों को बेघर होना पड़ा, यानी उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। अगला प्रश्न है, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, डेरा डालने का मतलब होता है कहीं पर अस्थायी निवास बनाना या रहने के लिए कहीं बस जाना। पाठ के अनुसार मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंगल के जंगल को साफ कर दिया, यानी अपनी जरूरतों के लिए उन्होंने जंगलों के जंगल साफ कर दिए, जिसके कारण वहां पे बहुत सारे पशु पक्षी बेघर हो गए और उन्हें यहाँ वहां मानव बस्तियों में डेरा डालना पड़ रहा है, क्योंकि इंसानों ने उनका प्राकृतिक निवास छीन लिया है, जो भगवान के द्वारा, जो नेचर के द्वारा उनको स्थान मिला था, वो मनुष्य ने उनसे छीन लिया है। जैसे कि पशु पक्षी पेड़ों के ऊपर अपना घोंसला बनाते थे, अब मनुष्य ने अपने घर बनाने के लिए पेड़ों को काट दिया है, तो पशु पक्षी बेघर हो गए हैं। तो इसका अगला प्रश्न देखिए, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? बढ़ती हुई आबादी के कारण पर्यावरण असंतुलित हो गया, आवासीय स्थलों को बढ़ाने के लिए वन जंगल यहाँ तक कि समुद्र स्थलों को भी छोटा किया
जा रहा है, यानी घर बनाने के लिए वन और जंगल तो काटे ही जा रहे हैं, यहाँ तक कि समुद्र को भी छोटा किया जा रहा है, उसके एरिया में उसके स्थान पे भी मकान बनाए जा रहे हैं, पशु पक्षियों के लिए स्थान नहीं है। इन सब कारणों से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे कहीं पे भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं तूफान और कहीं गर्मी, कभी तेज वर्षा, इन कारण कई बीमारियां हो रही हैं। इस तरह पर्यावरण के असंतुलन का जनजीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। तो अगला प्रश्न है, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? लेखक के फ्लैट में कबूतरों ने घोंसला बना लिया था जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें दाना खिलाने के लिए। बड़े कबूतर दिन में कई कई बार आया जाया करते थे, यानी लेखक के फ्लैट में कबूतरों ने घोंसला बना लिया था, अब उस घोंसले में छोटे छोटे बच्चे थे, अब जो बड़े कबूतर थे उनको खाना खिलाने के लिए उनके लिए दाना लेकर आते थे, इससे लेखक की दिनचर्या में बाधा पड़ती थी। रोज रोज की परेशानी से तंग आकर लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली लगवानी पड़ी ताकि कबूतर फिर से उन्हें तंग ना कर पाए। अगला प्रश्न है इसका, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, कई सालों से बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल रहे थे और उसकी जमीन हथिया रहे थे, समुद्र सिमटता जा रहा था, उसने पहले टांगे समेटी, फिर उकड़ू बैठा, फिर खड़ा हो गया, फिर भी जगह कम पड़ने लगी जिससे वह गुस्सा हो गया। उसने गुस्सा निकालने के लिए तीन जहाजों को उठाकर यहाँ वहाँ पटक दिया, एक वार्ली के समुद्र के किनारे, दूसरा बांद्रा के क्वार्टर रोड के सामने और तीसरा गेट वे ऑफ इंडिया पर जाकर गिरा। अगला प्रश्न है, मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, सभी जीव मिट्टी से बने हुए हैं और बनने के बाद सब मिट्टी में मिल जाते हैं। जीव विज्ञान में हमने पढ़ा है कि किस तरह से कुछ अजैविक पदार्थ के मेल से एक जीव का निर्माण होता है और मरने के बाद वे सारे पदार्थ अपघटन की क्रिया द्वारा फिर से वातावरण में वापस हो जाते हैं। मिट्टी को देखकर कोई भी नहीं पकड़ सकता कि इसमें किन किन जीवों से पदार्थ आए हैं। मनुष्य होने के नाते हम इस घमंड में रहते हैं कि हम अन्य जीवों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन मूल तौर पर सभी जीवों का महत्व एक समान है। तो इसका अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट का जो पहला प्रश्न इस प्रकार है, नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था। तो इसका उत्तर है, नेचर हमारी गलतियों को बहुत हद तक बर्दाश्त करता है, लेकिन जब हम वो हदें पार कर जाते हैं, यानी प्रकृति हमारी गलतियों को बहुत हद तक बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब गलतियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और प्रकृति सहन नहीं कर पाती है, तो फिर नेचर अपना गुस्सा दिखाता है। यह हमें प्राकृतिक विपदाओं और उनमें आई तबाही के रूप में दिखता है। आशय स्पष्ट कीजिए में दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। छोटे प्राणियों और छोटे दिल के लोगों को जल्दी गुस्सा आता है। छोटे प्राणियों और छोटे दिल के लोगों को जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन उनका गुस्सा भी क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए ही होता है। बड़े प्राणियों और बड़े दिल वाले लोगों को देर से गुस्सा आता है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो फिर सामने वाले की खैर नहीं है। तो इसका प्रश्न नंबर 3 है, आशय स्पष्ट कीजिए में, इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहां डेरा डाल लिया है।
तो इसका उत्तर इस प्रकार है, यह हाल किसी भी नई बस्ती में हो सकता है। आज हर बड़े शहर में लाखों की संख्या में फ्लैट बन रहे हैं। इन फ्लैटों को बनाने के लिए जंगल साफ किए जा रहे हैं और ताल तेलियों को भरा जा रहा है। इस कारण से असंख्य पशु पक्षियों से उनका घर छीन लिया जा रहा है। अधिकांश पशु पक्षी फिर वहां से कहीं और चले जाते हैं। जो नहीं जा पाते हैं वे इंसानों के मकानों में ही अपना डेरा डाल लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। मैं शेख अयाज के पिता बोले, नहीं यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में छिपी हुई भावनाओं को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, शेख अयाज के पिता में अन्य जीवों के लिए सम्मान की भावना थी। उन्हें लगा कि चींटी को बेघर करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए वह उस चींटी को कुएं पर छोड़ने जा रहे थे ताकि किसी पाप से बच सके।